नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। कल धार शहर में भगवान धारनाथ अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलेंगे। इसके लिए व्यापक तौर से तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि इस बार पहली बार महाकाल उज्जैन की तर्ज पर बाबा धारनाथ की पालकी में पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी। प्रतिवर्ष प्राचीन धारेश्वर मंदिर में धार के अधिष्ठाता बाबा धारनाथ जब प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं तो शहर को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। जगह जगह मंच लगाए जाते हैं, बाबा धारनाथ का स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि युवा डमरू झांझ मंजीरे लेकर अलग अलग टोलियों में सम्मिलित होते हैं। बाबा धारनाथ के मुकुट को पालकी में विराजित कर पूजा पाठ करने के पश्चात भक्त दर्शन करते हैं, आरती होती है। धार कलेक्टर पुलिस अधीक्षक भी आरती करते हैं, जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। बाबा धारनाथ को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, किंतु खास तौर पर इस बार गॉड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस बैंड के द्वारा भी शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। यह बैंड बाबा धारनाथ की पालकी के साथ कुछ दूर तक चलेगा, जिसमें धार्मिक धुनें भी बजाई जाएगी। बाबा के छबीने के साथ मंदिरों की झांकियां भी सम्मिलित होती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि धार शहरवासी बाबा धारनाथ के पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं, बाबा की पालकी का स्वागत कर पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हैं। धारनाथ बाबा लगभग 8 घंटे धार शहर में निकल कर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने निकलते हैं। खास बात यह है कि इस बार डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। शहर को 4 सेक्टर में बांटा गया है। 300 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। 28 झांकियों का कारवा शामिल होगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान धारनाथ जो कि धार के अधिष्ठाता अधिपति धारनाथ है, यह मंदिर भोजकालीन मंदिर माना जाता है जो कि काफी प्राचीन है। इसकी स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। राजा भोज बताया जाता है कि यहाँ पर नियमित दर्शन के लिए पहुँचते थे। यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर धार शहरवासी नियमित दर्शन को आते हैं। महाकाल की तर्ज पर साल में एक बार बाबा धारनाथ अपनी प्रजा का हालचाल जानने शहर में निकलते हैं। यह पालकी निकालने की परंपरा स्टेट कालीन परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। माझी समाज के युवा कंधे पर भगवान धारनाथ की पालकी उठाकर प्रतिवर्ष निकलते हैं। हजारों श्रद्धालु धारनाथ की पालकी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। धार शहर की जनता बाबा धारनाथ का इंतजार अपने घर के द्वार बाहर पलक पावड़े बिछाकर करती है। देखें खबर इसके पी लाइव न्यूज पर। ये बाबा धारनाथ की सोमवार को छबीना निकलना है, शाही सवारी है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी वर्क कर लिया है। हमारी पूरी पुलिस पार्टी पिछले 3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे पैदल भ्रमण चल रहा है। आज हमने पूरे शहर का ड्रोन कैमरे से सर्चिंग करवाया। हमने पुलिस मुख्यालय से एक कंपनी मांगी थी, 2 हमको SF की कंपनी भी मिल गई है। कल 3 बजे हमने पूरे क्षेत्र का पूरे रूट का रिहर्सल रखा है। सभी समाज के लोगों से हमारी बैठक भी हो चुकी है। SDM साहब, SDOP साहब, इस बैठक हम और DM साहब लगातार संपर्क में हैं और हम लोग पूरे रूट में एक अच्छी सुरक्षित व्यवस्था बना रहे हैं। पॉइंट पिकेट्स, ड्रोन कैमरा, सर्विलांस, मैका की शाही सवारी बढ़िया से और भव्य तरीके से निकले। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले बार भी हमने बाबा की 1-2 8 की सलामी गार्ड कराई थी। इस बार भी हम लोग सलामी गार्ड से सलामी दिलवाएंगे। साथ में जो पुलिस बैंड नवनिर्मित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे बना है, तो हमारा प्रयास है कि उसको भी हम ला करके यहाँ पे उपयोग करें और सलामी दिलवाएं और बैंड भिजवाएं। तो हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। ठीक है।